वेलकम एंड सत श्री अकाल जी, और बंगाली में नमस्ते यानी नमस्कार। शिलीगुड़ी से लामाहाटा जाने के रोड पे एक व्यू पॉइंट मिलता है जिसको लवर्स मिड व्यू पॉइंट बोलते हैं। ये जगह तो सब लोग जा ही चुके हैं, मगर हमारा डेस्टिनेशन ये नहीं था। ये लवर्स व्यू पॉइंट में जाने के बाद उधर से जो नीचे आपको स्पॉट दिखता है वो है त्रिवेणी कैंप साइट स्पॉट, और हमारा डेस्टिनेशन आज है त्रिवेणी। और लगभग एक दो साल से ये जो स्पॉट है, ये पिकनिक पर्पस बोलिए या कैंपिंग या टेंटिंग या रैफ्टिंग पर्पस बोलिए, बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। तो आज आपको लेके चलते हैं एकदम ऑन द स्पॉट त्रिवेणी कैंपिंग एंड रैफ्टिंग साइट। तो लामाहाटा से नीचे उतरते वक्त तीस्ता बाजार के ठीक आगे एक आपका लोहे का ब्रिज से आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा, और आप अगर नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा। और नदी को साइड में रखते हुए ही जो रोड आगे जा रहा है यही है त्रिवेणी का ब्यूटी स्पॉट का रोड, तो ये आपको पकड़ लेना है और आप पहुँच जाएंगे द त्रिवेणी कैंपिंग साइट। और चलिए हम लोग अभी पहुंच गए एकदम ऑन द स्पॉट, और यहाँ पर पार्किंग का भी बंदोबस्त किया गया है। बहुत बड़ा एरिया है, आप अगर पर्सनल कार लेके आते हैं या पिकनिक के लिए आते हैं तो पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग चाहे तो तीस्ता बाजार से छोटा मोटा कार लेके या पैदल भी इधर आ सकते हैं। आसपास में आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर इसमें मैं देख रहा हूँ इधर छोटा मोटा दो तीन शॉप्स है और छोटा मोटा होटल भी है, तो आपको कुछ ख़रीदना है या कुछ लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जो एरिया है एकदम त्रिवेणी हॉस्पिटल के सामने ही है, और लेफ्ट में आप देख ही सकते हैं हॉस्पिटल का जो बैनर था वो। तो चलिए आगे चलते हैं और एक्चुअल जो स्पॉट है उसके तरफ बढ़ते हैं। और ये जो स्टेयर्स है ये आपको सीधा लेके जाएगा एकदम स्पॉट के ऊपर तक। और जैसे आपने देख ही लिया होगा कि ये जो ट्रिप था ये हमारा फैमिली ट्रिप था, और मैं अपने मम्मी पापा, मेरा बीबी, उनका जो दीदी है, उनका भाई है, सबको लेके आए हैं। और ये निकिता जी है जिनको आप लोग निकिता स्मेकओवर के थ्रू पहचानते ही होंगे। और हमारे जो फैमिली ट्रिप है उसके सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है उनसे आज इंट्रो करवा देता हूँ। ये है आहेली, हाँ नाम बोलो। और ये देखिए जो आपके नज़रों के सामने है यही है वो ब्यूटीफुल स्पॉट जहाँ पर इन सीज़न टाइम बहुत सारा कैंपिंग होता है और बहुत क्राउड भी रहता है। और ये जो प्लेस है एकदम वाइट सैंड के ऊपर है, और आप अगर आएंगे इन सीज़न टाइम तो ये आपको गोवा का मिनिएचर टाइप लगेगा, क्योंकि एकदम सेम टाइप का सैंड है और बीच टाइप एक फील आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, आपको एक बार ये तो ज़रूर आना है। You're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them,
we don't need them. So can we just slow? एक्चुअल ये जो स्पॉट है ये बहुत ही खास और बहुत ही पॉपुलर इसलिए है क्योंकि रंगीत और तीस्ता दो रिवर ये स्पॉट के थ्रू एक साथ मिल के आगे बढ़ते हैं और आप अगर ठीक से जो रिवर का कलर है वो फॉलो करेंगे तो एक साइड जो तीस्ता का जो कलर है वो ग्रीनिश टाइप का कलर आपको अलग से मिल जाएगा और आप देख सकते हैं दोनों जो कलर है पानी का वो क्लियर विजिबल है इस जगह पे। But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. हर एक जो प्लेस रहता है वो अपने हिसाब से ही बहुत ही खूबसूरत रहता है, मगर आप लोगों के पास मैं एक रिक्वेस्ट रखूँगा कि आप लोग आइए, एंजॉय कीजिए, जो नेचर है उसको फील कीजिए, उसका मज़ा उठाइए, मगर ऐसा जो गंदगी आप लोग फैला के जाते हैं ये एकदम ही ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके पीछे और जो बंदे आएंगे वो भी ऐसा ही करके जाएंगे, तो ये प्लेस धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को ही उठाना है। तो चलिए एक टेंट का वर्चुअल टूर भी आपको करा देते हैं। ऐसा टेंट प्रोवाइड होता है जो टू ऑक्यूपेंसी टेंट है और फैमिली टेंट भी इधर प्रोवाइड करते हैं, ऐसा सुनने को मिला है। तो ये जो टेंट है बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है और आप अगर आएंगे तो टेंट कैंपिंग कर सकते हैं 1500 पर हेड के हिसाब से, और इधर रैफ्टिंग भी रहता है 100 या 200 पर हेड के हिसाब से, और बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है। बॉनफायर रहेगा, बर्बिक्यू रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, और उसके ऊपर से एक्स्ट्रा आपका जो बेनिफिट रहेगा वो ऐसा बीच कैंपिंग, तो ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मगर एक चीज़ है जो आपको बोलना है, जो कॉमन टॉयलेट है वो बहुत ऊपर है तो नीचे से आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा। और चलिए ये इधर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने डाल दिया, अगर आपको कुछ क्वेरी कुछ बुकिंग वगैरह करवाना है तो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।